दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं खेत में पहुंच गया हूं। पीछे देख सकते हैं आप लोग, पानी पानी है पूरा, ठीक है आप लोग देख सकते हैं ये। और वहां पे जो है छोटा भाई अजय खड़ा हुआ है और दादाजी जो है घर से बीज लेने गए हैं। तो इसमें जो है दो टाइप का बीज हम लोग डालेंगे। तो एक टाइप का जो था वो पड़ चुका है और एक जो बारीक वाला चावल होता है जो इस टाइम हम लोग इसमें डालेंगे दिलखुश। तो उसका जो जरई बनाए थे अभी जरई आ रहा है, बीज आ रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और इंजन चल रहा है, ये पाइप लगी हुई है आप लोग देख सकते हैं। और ये वही हैं, वही इंसान हैं, इनको पहचानिए जो बीड़ी पीते हैं, हर वीडियो में बीड़ी पीते दिखाई देते हैं। मना करता हूँ बीड़ी मत पियो लेकिन नहीं मानते। और आप लोग देख सकते हैं ये जो है आधे पहले से लगा हुआ है, ये आके पानी वानी भरा है, ठीक है। अब मैं कैमरा मूव करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और वो प्रोसेस हो चुका था, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो है धान को भिगोते हैं, 24 घंटे तक भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसका जो है जरई बनाते हैं, जरई बनाने के बाद फिर ये खेत तैयार होता है, ठीक है। अभी मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इंजन वहाँ पर चल रहा है, वहाँ से पाइप लगी हुई है, थोड़ा उधर है, ये पानी आ रहा है। तो पानी जो है यहाँ पर आके निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये पानी निकल रहा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बीज बनने के बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो खेत की तैयारी होती है, खेत को तैयार किया जाता है। खेत को तैयार करने के लिए उसकी जुताई होती है, फिर हिंगाई होती है, यानी कि अब तो रोटावेटर चल रहा है, तो साथ साथ में जुताई करने के साथ साथ में हिंगाई भी हो जाती है। और इसकी जो है हिंगाई हो चुकी है फाइनल। और हिंगाई और जुताई सब कुछ होने के बाद खेत में जो है पानी भरा जाता है, ठीक है ना। पानी भर के उसके बाद में इसमें जो भी धान की बीज है, अभी धान की बीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दादाजी जो है घर से लाने गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये छोटे छोटे बीच में जो है ये लकड़ी का कुछ लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है, बॉर्डर बनाया गया है इसको, इसलिए इसमें जो है धसा दिया गया है कि इससे जो है बीज कौन सी किधर है ये क्लियर रहेगा। जब धान की उधाई होगी, ठीक है ना, तो किस तरफ कौन सी बीज जो है डाला है ये क्लियर रहेगा। तो इससे कौन सा मोटा वाला चावल है, पतला वाला चावल है, ठीक है ना, ये सब क्लियर रहेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं दादाजी जो है मेरे लेके आ गए हैं, पहलवान आदमी हैं, मैंने बोला था लाने को लेकिन मना कर दिए, खुद लेके आए हैं। तो इसको खोलो फिर दिखाते हैं, धान तैयार हो गया। हाँ हाँ, खोलो निकालो, वही धान है जो हम लोगों ने भिगोया था, हाथ में लेके दिखाओ। ये आप लोग देख सकते हैं जरई निकल आया, जरई आया, आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब धान जो है फूट गया है, यानी कि बीज बन गया है, खेत में डालने लायक हो गया, ठीक है ना। ये वही धान है जिसका हम लोग जरई बनाया था, यानी कि इसको उसमें से निकाल के, पानी में से 24 घंटे बाद निकाल के फिर इसमें जो है बोरी में डाल दिया जाता है। बोरी में डालने के बाद इसका जो है 24 घंटे बाद जरई बन चुका है। अब जरई बनने के बाद इसको जो है एक गांव में जो आता है तसला बोलते हैं, उसमें अभी निकालेंगे। इसको निकालने के बाद इसको खेत में डालेंगे, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए, इसको कैसे निकालते हैं और कैसे खेत में डालते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे निकाल लिया जाता है। तो ये तैयार हो चुके हैं जो है दादाजी, सिर पर रख लिए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं दादाजी जो है खेत में बीज को डाल रहे हैं, और कितनी मेहनत है आप लोग खुद ही देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है खेती करने में, ठीक है, और बीज को डालने में, ठीक है। अब इसमें जगह थी नहीं साइड में, साइड में थोड़ा दिक्कत था, यहाँ पे ये कांटे वाटे लगे हैं, शायद नींबू का पेड़ है या किसी चीज़ का पेड़ है, इसमें कांटे हैं। तो और बगल में भी बांस भी रखा हुआ था बम्बू, तो उसके भी कांटे थे, तो हो सकता पैर में लग जाते, इसलिए जो है खेत में जो है बीचों बीच में घुस के जो है बीज डाल रहे हैं। अभी आप लोग देखिए कैसे बीज डाल रहे हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों ये दादाजी जो है बीज को डाल रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया बीज को कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना। बीज तैयार करने का प्रोसेस जो था, धान को भिगोया जाता है वगैरह वगैरह, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। खेत की जो है जुताई हो जाती है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, पानी डाल के फिर बीज को डाला जाता है, ठीक है। ये अब बीज पड़ गया है खेत में, बीज ये कम से कम एक दो दिन बाद इसमें फिर से पानी डालना पड़ेगा, पानी डाला जाएगा, पानी भरा जाएगा। पानी भरने के बाद इसमें सब बाकी मटेरियल, खाद वगैरह जो भी पड़ती है वो टाइम टू टाइम पड़ती रहेगी इसमें। दादाजी बता रहे हैं कि ये जो है बीज तैयार होने में, यानी कि जो खेत में जो है डाले हैं, जो बीज डाल रहे हैं, ठीक है, ये तैयार होने में समझ सकते हैं कि 27-28 दिन लग जाते हैं जो है तैयार होने में इसको। अब जब ये तैयार हो जाएगा, ये तैयार होने के बाद फिर खेत की जो है धान की वधाई होगी। तो ये वीडियो पार्ट 2 था, ब्लॉक 2 था, फर्स्ट वाला आप लोगों ने देख ही लिया है। और धान को जो है जो फिर इसमें बड़ा बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो इसको फिर बैठ के काटेंगे, यानी कि इसको जड़ से निकाल लिया जाता है।
तो जड़ से निकालने के बाद इसकी ओधाई होती है, यानी कि धान जो है खेत में बिठाया जाता है। कैसे बिठाया जाता है वो भी वीडियो में आप लोगों को डालूंगा, दिखाऊंगा, ठीक है, पार्ट थ्री में। और आप लोग बताइए जो है वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।